यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट ने पेपर लीक मामले में हरियाणा के जिंद से महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने खुलासा किया है कि पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही विक्रम पहल शामिल है। एसटीएफ के अनुसार विक्रम ने परीक्षा से दो दिन पहले ही मानसेर के एक रिसोर्ट में 300 से 400 लोगों को एकत्रित किया था, जिसमें अभ्यर्थी और सॉल्वर दोनों ही मौजूद थे। महेंद्र से पूछताछ में पता चला कि दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही विक्रम पहल ने मानेसर में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों और सॉल्वर की बड़ी मीटिंग कराई थी। इस मीटिंग का एक फोटो भी सामने आया है। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने हरियाणा के जिंद से एक आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक महेंद्र ने मेरठ सहित अन्य कई जिलों में सॉल्वर गैंग जुटाकर पेपर की डीलिंग कराई थी। इसमें अभिषेक शुक्ला, रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर इन गैंगों ने मनमाने दामों में 7 लाख रुपए तक में बेचा था। मेरठ एसटीएफ की गिरफ्त में आए महेंद्र से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके साथ और कौन कौन से लोग शामिल थे। कड़ी मशक्कत के बाद महेंद्र शर्मा की गर्दन तक एसटीएफ पहुंच गई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महेंद्र ने बताया कि वह हरियाणा में एक दुकान पर काम करता है। उसी दौरान वहां पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत विक्रम पहल ने संपर्क किया। विक्रम ने 1 से 2 लाख रुपए का लालच देकर पेपर लीक की बात कही। पैसों के लालच में महेंद्र विक्रम का साथ देने को तैयार हो गया और वह एक रिजॉर्ट में विक्रम के साथ आया, जहां पर पहले से ही रिजॉर्ट का मालिक, 300 से 400 अभ्यर्थी और सॉल्वर मौजूद थे। इसी दौरान 4-5 बसों के अंदर बैठकर भी कुछ लोग रिजॉर्ट पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम के पास पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी द्वितीय पाली का पेपर 2 दिन पहले ही पहुंच गया था, जिसको लीक करवाने के लिए महेंद्र को भी विक्रम ने मोहरा बनाते हुए पेपर दिया। महेंद्र ने यह पेपर आगे बढ़ाते हुए लीक करने में मदद की थी।